नेहरू जी के विचार था, मजबूत विपक्ष न होने का अर्थ है व्यवस्था में महत्वपूर्ण खामियां हैं। अगर मजबूत विपक्ष नहीं है तो वो ठीक नहीं है, नेहरू जी का कहना। अब जो मजबूत विपक्ष है तो उसको ईडी सीबीआई कमजोर कैसा करना इधर है। अगर कोई है भी है, इमीडिएटली उसको लेना, कमजोर करना, फिर वॉशिंग मशीन में डालना, क्लीन होके बाहर आ जाना, वहीं पर परमानेंट है। सर, लेकिन आज क्या हो रहा है ये सब देख रहे हैं। संसद में पीएम साहब कभी कभार आते हैं, जब आते हैं तो इवेंट बनाकर चले जाते हैं। मणिपुर साहब, आपको तो मालूम है, 3 मई से आज तक दंगे चल रहे हैं, आज तक लोगों को मार रहे हैं, घर जला रहे हैं, आज एक मर गया, तो कितने इसके बारे में एक स्टेटमेंट दो। हमने इतनी कोशिश की, इतनी कोशिश की साहब, जरा आप, कोशिश तो मैंने की थी। नहीं, आपने की थी, तो मेरी तरफ से थी सब। नहीं नहीं, कि हर हालत में चर्चा हो, नहीं नहीं आधी रात तक चर्चा हो, बोलने बोलने दिए सर। नहीं आप, अरे भाई तुम क्यों ये उनको इरिटेट करते हो सर, आप तो कोशिश किए हैं लेकिन आपके बातों को भी वो नहीं मानते, ये मुश्किल है ना। आप हमको बोलते हैं, उसीलिए हम बार बार आपके तरफ देखते हैं, तो जब हम आपके तरफ देते हैं तो फिर आप उनके तरफ देखते हैं, तो इसलिए खड़गे जी मैं मजबूर नहीं हूँ, मजबूत हूँ। आप मजबूत, मेरी बात को मानते तो लोकसभा से पहले चर्चा होती, ज्यादा सार्थक चर्चा होती। अरे मैं साफ डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने लोकसभा में कहा, मैंने बड़ी कोशिश की कि इस सदन में व्यापक चर्चा हो, आपने होने नहीं दी सर। नहीं नहीं, होने आपने नहीं होने। ये देखिए 267 सर, 267 ये देखिए ठीक। अरे बदलना है तो अब हालात बदलो, बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है। देना है तो युवाओं को रोजगार दो, सबको बेरोजगार करके क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों को मारने से क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों के मारने से क्या होता है। कुछ कर नहीं सकते तो कुर्सी छोड़ दो। बात बात में डराने से क्या होता है, बात बात में डराने से क्या होता है। अपनी हुक्मरानी पर तुम्हें गुरूर है, लोगों को डराने से धमकाने से क्या होता है। बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है, और यहाँ से वहाँ जाने से और क्या होने वाला है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।